हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये 3D क्रोशे डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि एक स्क्वायर पैटर्न में है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। यहाँ पे हमें दो कलर के ऊल और एक क्रोशे हुक चाहिए। फर्स्ट लेयर में मैंने ये ग्रीन कलर के ऊल लिए हैं। इसको इसी तरह से एक नट बना लेंगे हम लोग। नट बनाने के बाद इसमें अभी मैं 5 चेन बनाऊंगी। चेन बन गया है। अभी इसको यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में जो चेन है उसमें क्रोशे हुक डाल के इसी तरह से एक लॉक कर देंगे ताकि ये राउंड शेप में बन जाए। अभी इसमें मुझे सिंगल क्रोशे करना है, 8 सिंगल क्रोशे करना है। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से 8 सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 8 सिंगल क्रोशे कर दिया है। अभी इसी तरह से इसको लॉक करना है। जो स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशे था उसके अंदर क्रोशे हुक डाल के इसी तरह से इसको लॉक करना है। अभी फ्रेंड्स देखिए इसी के साथ मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे इसमें सेकंड कलर का ऊल, जैसे कि मैंने ये रेड कलर लिया है, रेड कलर का ऊल चाहिए। तो देखिए मैं कैसे इसको अटैच कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी कीजिएगा। उसी तरह से अटैच करने के बाद सेकंड लेयर में हम लोग पेटल्स बनाएंगे फ्लावर के। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे हर एक जो मैंने पहले लेयर में बनाया था सिंगल क्रोशे, हर एक सिंगल क्रोशे में मुझे 5-5 डबल क्रोशे करना है। इसी तरह से जैसे देख सकते हैं आप, मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर दिया है, ये हो गया 3 और ये 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद, सॉरी 5 डबल क्रोशे करने के बाद, अभी इसी तरह से इसको देखिए मैं इसको पेटल जैसा शेप देना चाहती हूँ। तो इसको मैं इसी तरह से उल्टा करके ये स्टार्टिंग जो है स्टिच उसमें मैंने क्रोशे हुक डाल के इसी तरह से फूल को लेके आगे लॉक कर देना है। तो देखिए ये एक खूबसूरत पेटल जैसा दिखने लगा। तो इसी तरह से मुझे और 7 पेटल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड करूँगी 3 चेन, 2 और ये 3 और ये 3 चेन। अभी फिर नेक्स्ट मुझे नेक्स्ट वाले चेन में, नेक्स्ट वाले ये जो है सिंगल क्रोशे, इसमें मुझे फिर से 5 डबल क्रोशे करके इसी तरह से पेटल बनाना है।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 पेटल्स कंप्लीट कर दिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेटल्स कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ देखिए मैं ये लास्ट जो चेन है इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर देती हूँ। ये देखिए, अभी थर्ड लेयर में मैंने फिर से ग्रीन कलर के उल अटैच किए हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे एक्सटेंड करके 2 चेन मैंने ऊपर ले लिया है। अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, 3 डबल क्रोशे चाहिए, एक जैसे कि एक्सटेंड किया हुआ और 2, ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशे के बाद फिर मैंने एक्सटेंड करके 3 चेन बढ़ाया है। ये वाले होल में मुझे अभी रेड कलर के ऊल से पेटल बनाने हैं। तो आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसको। यहाँ पे मुझे 2 पेटल बनाने हैं, तो इसी हिसाब से एक पेटल में 5 डबल क्रोशे करना है। तो ये देखिए एक पेटल मेरा बन गया है 5 डबल क्रोशे के साथ। उसी होल में मुझे और एक पेटल बनाना है, तो यहाँ पे 3 चेन एक्सटेंड करके लेके फिर से मुझे उसी होल में 5 डबल क्रोशे करना है। यहाँ पे मुझे फिर से ग्रीन कलर के उल्स चाहिए, तो देखिए मैं चेंज करके फिर से कैसे इसको अटैच कर रही हूँ। मैंने फ्रेंड्स ये उल को काटा नहीं है, उसी के साथ ही अटैच है, आप देख सकते हैं। उसी को फिर मैं पीछे से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 चेन एक्सटेंड करके फिर से मैंने जैसे वहाँ पे 3 डबल क्रोशे किया था उसी तरह से 3 डबल क्रोशे करूँगी। ऐसे रिपीटेडली आपको पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, ये मेरा थर्ड लेयर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक गलती किया है जो आप मत दोहराइएगा। यहाँ पे 3 चेन्स करके एक्सटेंड फिर से मेरे को ये लॉक करना था, वो 3 चेन ग्रीन कलर के रहने थे, तो आप प्लीज़ वहाँ पर 3 चेन्स एक्सटेंड करके फिर उसको लॉक कीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स 4th लेयर स्टार्ट होगा। देखिए मैंने ग्रीन कलर का ऊल अटैच कर दिया है, यहाँ से 2 चेन एक्सटेंड करके ऊपर लेना है इसी तरह से। फिर नीचे देखिए मैंने 3 डबल क्रोशे किया था, अभी ये 4th लेयर में मुझे 5 डबल क्रोशे करने हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशे कर रही हूँ, जैसे कि ये 2 मेरा हो गया है और ये 3, ये हो गया मेरा 4 और ये 5, ये 5 डबल क्रोशे आपको करना है यहाँ पे। ये देखिए 5 डबल क्रोशे हो गया है मेरा। अभी यहाँ से फिर 3 चेन एक्सटेंड करना है, ये 1, 2, 3 3 चेन एक्सटेंड करने के बाद अभी मुझे रेड कलर की उल चाहिए, तो ये बैक से मैंने ये उल लिया, इसको अभी अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे मुझे फिर 2 पेटल्स बनाने हैं, वो 5 डबल क्रोशे करना है एक पेटल में और वैसे 2 पेटल बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 डबल क्रोशे हो गया है और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5,
पांच डबल क्रोशे करने के बाद पेटल को कंप्लीट करना है इसी तरह से। बैक में इसको लेके लॉक कीजिए। यहाँ पे जो चेन एक्सटेंड करना है अभी ये चेन मुझे 5 चेन एक्सटेंड करना है। नीचे हम लोगों ने 3 किया था, यहाँ पे 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए 5 चेन एक्सटेंड करने के बाद फिर से मुझे वैसे ही और एक पेटल बनाना है। ये देखिए इसी तरह से यही पैटर्न में और जितना साइड है वो फॉलो करते हुए एक राउंड बनाना है। जैसे मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा 5th लेयर स्टार्ट होगा। तो देखिए मैंने 2 चेन एक्सटेंड करके ऊपर ले लिया है। यहाँ पे अभी मैंने नीचे लाइन में 5 डबल क्रोशे किया था, अभी यहाँ पे हम लोग 6 करेंगे। तो लेकिन देखिए मैंने 3 डबल क्रोशे करने के बाद 1 चेन एक्सटेंड किया, फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो मतलब 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, तो हो गया 6 डबल क्रोशे। देखिए इसी तरह से, देखिए 3 के बाद एक गैप है, फिर 3 है, फिर मुझे 3 चेन एक्सटेंड करके लेना है। फिर यहाँ पे ये लेयर पे मुझे यहाँ पे रेड कलर ऐड करना है अभी पेटल्स के लिए। यहाँ पे मुझे 3 पेटल्स बनाने हैं, तो आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए एक पेटल बन गया है, इसके बाद 3 चेन एक्सटेंड करना है, फिर से और एक पेटल बनाना है। ये सेकेंड पेटल बन गया है, अभी फिर से 3 चेन एक्सटेंड करके और एक पेटल बनाना है इसी में ही। देखिए इसी तरह से ये पैटर्न फॉलो करके पूरा राउंड सर्कल बनाना है। ये देखिए इसी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मेरा 6 लेयर स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने अभी आप देख सकते हैं 2 चेन एक्सटेंड करके ले लिया है। अभी यहाँ पे मुझे 8 डबल क्रोशे करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 और ये 4 डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 1 चेन एक्सटेंड करूँगी, फिर 4 डबल क्रोशे करूँगी। जैसे कि हम लोगों ने नीचे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एक्सटेंड किया, फिर 3 डबल क्रोशे किया, अभी यहाँ पे हम लोग 4 डबल क्रोशे करेंगे और एक चेन एक्सटेंड करके फिर 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये कर दिया है इसी तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन एक्सटेंड करना है, फिर यहाँ पे पेटल्स बनाने हैं। पेटल्स में देखिए यहाँ पे मुझे नीचे 3 था, यहाँ पे मैं 4 पेटल्स बनाऊँगी। तो जैसे कि ये जो एक्सटेंड वाला चेन है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये जो चेन है, यहाँ पे हम लोग 2-2 पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पेटल्स में आपको पता है 5 डबल क्रोशे होंगे, तो यहाँ पे दो पेटल्स बनेंगे और इस साइड में फिर 2 पेटल्स, तो टोटल 4 पेटल्स बनेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक पेटल बनने के बाद 3 चेन एक्सटेंड करना है, यहाँ पे 3 चेन एक्सटेंड करके फिर उसी में ही मैं और एक पेटल बना रही हूँ।
यहाँ देखिए चार पेटल्स बन गए हैं। इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है सर्कल। यहाँ पे सेवेंथ लेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने दो चेन एक्सटेंड करके ले लिया है। यहाँ पे हम लोग तीन डबल क्रोशे करके, यहाँ पे देखिए तीन डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे तीन चेन एक्सटेंड करना है, फिर और तीन डबल क्रोशे करना है इसी तरह से, फिर और तीन चेन एक्सटेंड करना है, एक दो तीन, फिर यहाँ पे फिर तीन डबल क्रोशे करना है, यानी कि तीन तीन छः तीन नौ, नौ डबल क्रोशे यहाँ पे करना है हम लोगों को। और जो चेन एक्सटेंड करना है वो तीन तीन चेन एक्सटेंड करना है, देखिए इसी तरह से। फिर इसके बाद तीन चेन एक्सटेंड करके अभी ये रेड में पेटल बनाने हैं। यहाँ पे हम लोग रेड पेटल्स जो बनाएंगे, अभी इसको देखिए यहाँ पे मैं छः पेटल्स बनाऊंगी, हर एक चेन में दो दो पेटल्स बनेंगे। जैसे देख सकते हैं आप मैं अभी बना रही हूँ। और हर एक पेटल के बीच का एक्सटेंशन चेन तीन ही रहेगा। देखिए तीन चेन एक्सटेंड करके फिर से मैं और एक पेटल बना रही हूँ अभी। ये देखिए इसी तरह से ये छह मैंने पेटल्स कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से पूरा ये सर्कल कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए आप सेवेंथ लेयर भी मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। इसके बाद हम लोग एक बॉर्डर लाइन जैसा ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लाइन मतलब सिर्फ हर डबल क्रोशे के ऊपर और एक एक डबल क्रोशे करते जाना है। यहाँ पे जैसे मैंने तीन चेन एक्सटेंड किया था तो यहाँ पे तीन डबल क्रोशे कर देना है इसी तरह से, फिर उसके बाद वैसे ही फॉलो करना है डबल क्रोशे के ऊपर और एक एक डबल क्रोशे करते जाना है। यहाँ पे हम लोग तीन चेन एक्सटेंड करेंगे, फिर ये पेटल्स के ऊपर एक चेन में तीन तीन डबल क्रोशे करना है। ये देखिए तीन डबल क्रोशे के बाद एक चेन एक्सटेंड करके फिर से तीन डबल क्रोशे करना है इसी तरह से, ये पेटल का पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए मेरा एट लेयर भी कंप्लीट हो गया है। एट लेयर मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी नाइन एंड फाइनल लेयर में हम लोग बस एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए ये सर्कल कंप्लीट करना है इसी तरह से, देखिए। ये देखिए मेरा 3D डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं घर पर ही मेरा ये वीडियो देखकर। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियो।